हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बताऊंगा जो पहले कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। 1642 ईस्वी में यह दुनिया के नक्शे पर एक नए देश के रूप में उभरा। इस देश का पहला राजा एक बौद्ध भिक्षु था। इस देश की सरहदें नेपाल, भूटान, तिब्बत एवं भारत के साथ लगती थी। पहले पहल इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि इस देश के राजनायक चीन के राजा के दरबार में उपस्थित रहते थे। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया तो 1835 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश के साथ समझौता किया, जिसके बदले में उसने इसका नेपाल के साथ सरहद का विवाद सुलझाया और दार्जिलिंग, जो कि इस देश का इलाका था, उसे भारत में मिला लिया और बदले में इस देश को अपनी सुरक्षा प्रदान की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के खूबसूरत राज्य सिक्किम की। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। इसे भारत का स्वर्ग कहा जाए तो कोई अतकथनी नहीं होगी। सिक्किम के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी नाम नहीं रखा गया। इन्हें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सिक्किम के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि अंग्रेजों ने इसे अपनी सुरक्षा छतरी प्रदान की थी, तो 1947 में आजादी के बाद से लेकर 1975 तक ये भारत की सुरक्षा में रहा। 1975 में भारत ने इस पर कब्जा कर लिया, जो कि वहां के लोगों की इच्छा के अनुसार था, और वहां पर राजतंत्र का अंत करके एक लोकतंत्र स्थापित किया और ये भारत का 22वां राज्य बना। तो चलिए मैं आपको इस राज्य की सैर करवाता हूं। दोस्तों, मेरी यह यात्रा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू हुई, जहां से कि मैंने डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। इस ट्रेन की 3rd एसी की सीटें मेरी रिजर्व थी। यह न्यू दिल्ली को असम के साथ मिलाती है, इसलिए यह भारत का दूसरा सबसे लंबा रूट है। मेरी मंजिल थी न्यू जलपाईगुड़ी का रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि सिक्किम में रेलवे ट्रैक नहीं है। पहले पहल सिक्किम हवाई मार्ग से भी भारत से नहीं जुड़ा हुआ था। अब 2 साल हो गए, वहां पर एक एयरपोर्ट बन गया है। न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचने के लिए मुझे 2 रातें ट्रेन में गुजारनी पड़ी, इसलिए सहयात्रियों से मेरी अच्छी पहचान हो गई। 3rd दिन करीबन 12:15 बजे मेरा स्टेशन आने को था, तो मैंने सबसे विदा ली और स्टेशन पर उतर गए। यह स्टेशन कोई इतना बड़ा नहीं था। अपना सामान लेकर मैं अपनी फैमिली के साथ स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। स्टेशन से बाहर आकर मैंने एक प्राइवेट टैक्सी गैंगटॉक जाने के लिए किराए पर की, जहां पर गैंगटॉक जाने के लिए आप शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा सुविधापूर्वक नहीं होगा, इसलिए मैंने प्राइवेट टैक्सी से ही सफ़र करना उचित समझा। न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक तक का सफर करीबन 4 घंटे का है। जब हम वेस्ट बंगाल से निकलकर सिक्किम के क्षेत्र में दाखिल हुए तो खूबसूरत नज़ारे देखकर हमारी सारी थकान उतर गई। गैंगटॉक में मैंने पहले से ही एक होटल बुक करवा रखा था। करीबन शाम को 5 बजे हमारी गाड़ी ने मुझे होटल कस्तूरी पर पहुंचा दिया। ये होटल बाजार में था, इसलिए काफी रौनक थी। होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग थोड़ा बाजार घूमने के लिए निकले। शाम के समय होटल से कमरे के बाहर का नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यह नजारा रात के समय और भी बढ़िया दिखाई दे रहा था। हम लोगों ने सुबह की प्लानिंग की थी, तो सुबह हमें नथुला पास जाना था। नथुला जाने के लिए हम काफ़ी सुबह
अपने होटल से चल पड़े। नथुला जाने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता होती है। नथुला एक पास है जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, जहां से के इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड होता है। सिक्किम में बहुत सी जगह आपको परमिट की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपको अपने साथ अपनी बहुत सी पासपोर्ट साइज फोटोज और पहचान पत्र की कॉपीज रखनी पड़ती हैं। परमिट की व्यवस्था सुबह ही हो सकती है, इसलिए सभी गाड़ियां बॉर्डर पर खड़ी थी। ड्राइवर ने मेरे लिए परमिट की व्यवस्था की। तब तक हमने वहां पर नाश्ता किया। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स वहां पर नाश्ता बेच रही थी, जो अपने घर से रोटी और सब्जी बनाकर लाई थी। मैंने उनसे बात भी की, वो साथ में पढ़ाई और काम दोनों करती हैं। सिक्किम में एक बात मुझे बेहद हैरानीजनक लगी कि वहां पर ज्यादातर काम औरतों के हवाले है। दुकानों पर भी ज्यादातर औरतें ही हैं और वहां की पुलिस फोर्स में भी मुझे ज्यादातर औरतें ही दिखाई दी, मर्द बहुत ही कम दिखाई दिए। हमने वो नाश्ता किया जो बहुत ही टेस्टी था। एक बात आपको और बताता चलूं कि सिक्किम में पेस्टिसाइड्स बैन है। वहां पर आप बिल्कुल भी किसी भी कीटनाशक का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर खाने वाली हर चीज में एक कुदरती स्वाद है। खाना खाने के बाद हम अपने सफर में आगे की ओर चल पड़े। करीबन एक घंटा चलने के बाद हमें वहां पर एक छोटा सा वाटरफॉल दिखाई दिया। काफी सैलानी रुककर वाटरफॉल के नजदीक फोटो खींच रहे थे। हमने भी वहां कुछ समय बिताया। ज्यों ज्यों हम ईस्ट सिक्किम की ओर बढ़ रहे थे, ऊंचाई काफी बढ़ रही थी और साथ में ठंड भी अपना दस्तक दे रही थी। ड्राइवर ने बताया कि आगे चलकर आपको जैकेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि नथुला पास पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। कुछ दूर आगे चलकर हम लोगों ने फिर एक दुकान पर गाड़ी रुकवाई, जहां पर कि हमने चाय पी और वहीं पर मैंने गर्म जैकेट किराए पर ली, जो कि 100 रुपए प्रति जैकेट मुझे मिल गई। थोड़ी दूर और चलने पर हमारी अगली मंजिल आ गई, जो कि थी सोंगू लेक। यह लेक बहुत ही खूबसूरत थी। सर्दियों के दिनों में यह पूरा इलाका और लेक बर्फ से ढकी रहती है। ज्यों ज्यों हम नथुला की ओर बढ़ रहे थे, त्यों त्यों रास्ता और दुर्गम हो रहा था और ऊंचाई भी बढ़ रही थी। सोंगू लेक पर बहुत से सैलानी यॉक पर बैठकर लेक की सैर कर रहे थे। बच्चों ने भी यॉक पर बैठने की जिद की, तो मैंने भी उनके लिए 2 यॉक वालों का प्रबंध कर दिया। एक बात यहां पर आपको और बताना चाहूंगा कि पूरी सिक्किम स्टेट में आपको कहीं पर भी गवर्नमेंट एवं प्राइवेट बसेस देखने को नहीं मिलेंगी। यहां पर आने जाने के लिए केवल कारों का टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जहां लोगों के पास अपनी गाड़ियां होती हैं। और गैंगटॉक से बाहर जाने के लिए सैलानियों के लिए केवल एसयू की ही अनुमति है। आप छोटी गाड़ी पर गैंगटॉक से बाहर नहीं जा सकते। हमने पूरी लेक घूमी, तकरीबन हमने आधा घंटा इस लेक पर बिताया। ड्राइवर ने बताया कि हमें समय पर ही नथुला पहुंचना है, क्योंकि दोपहर के बाद वहां पर मौसम बेहद खराब हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आधा घंटा लेक पर बिताने के बाद
हम लोगों ने कुछ फोटो भी खींची ताजो इस लेक की यादगार बनी रहे। अब इस लेक के आगे हमारी अगली मंजिल थी बाबा मंदिर। बाबा मंदिर एक बहुत ही रोचक स्थान है। आप लोगों ने टीवी पर शायद इसके बारे में सुना होगा और अखबारों में भी पढ़ा होगा कि हरभजन सिंह जो कि एक फौजी जवान था जलंधर के नज़दीक जिसका गांव था, वो फौज में भर्ती हुआ 1965 में और 1968 में सिक्के में ही एक खड्ड से गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी बॉडी दो दिन बाद मिली, वो भी तब जब उसने एक साथी के सपने में आकर अपनी बॉडी कहां पर है यह स्थान की शिनाख्त की। फौजी हरभजन सिंह से अनेकों चमत्कार जुड़े हुए हैं जिस पर सिक्किम के लोग और विशेषतर वहां पर पोस्टेड हर फौजी जवान पूरे दिल से यकीन करता है। कहते हैं कि चाइना वालों ने भी अनेकों बार कहा था कि आपका एक सरदार फौजी संतरी अकेले ही कई बार बॉर्डर पर गश्त करता देखा गया है। फौजी हरभजन सिंह के चमत्कारों पर चाइना की आर्मी भी विश्वास करती है, इसलिए जब कभी भी फ्लैग मीटिंग होती है तो एक कुर्सी फौजी हरभजन सिंह के सम्मान में खाली रखी जाती है। हरभजन सिंह भर्ती तो सिपाही हुआ था लेकिन उसके मरने के बाद भी आर्मी ने उसको तरक्की देकर कमांडर की पोस्ट तक पहुंचा दिया। तो अगले एपिसोड में आप इस रोचक तथ्य के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।